मैं मेहनत कर सकता हूँ और अपने से खुद भी कर सकता हूँ, दो पैसे कम मिलेंगे, अपना खुद का करूँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन सिंह नेवर ग्रुप इंडिया से। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मेरे वीडियोज़ डेली देखते होंगे। आई होप आपको कोई ना कोई इंस्पिरेशन मिलता होगा और बिजनेस के आइडियाज़ मिलते होंगे जब भी आप ये वीडियोस देखते होंगे। तो गाइज, मैं आज आया हूँ मिस्टर विवेक मिश्रा जी के पास और ये एक समोसे का दुकान लगाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं रोड के किनारे। तो अब इनसे पूछते हम कि कैसे कैसे ये स्टार्ट किया, कितना दिन हो गया और कितना इनकम, और ये सारी बातें जो कैसे कोई स्टार्ट कर सकता है, ये सारी हम जानकारी लेंगे। तो थैंक यू सो मच आपको ये शो में आने के लिए। तो ये विवेक जी, ये आप कब से कर रहे हैं? ये लगभग 4 साल हो गया। 4 साल से जी। और इसकी आइडिया कहाँ से? आपके फैमिली में कोई करता था? फैमिली में करते हैं, बड़े भैया करते हैं, कैटरिंग का काम करते हैं। अच्छा। उन्हीं से हम लोग काम में जाते थे, थोड़ा थोड़ा करके सीखते थे, सीख के अपने से खुद ही रेडी किया। अच्छा अच्छा। तो अब ये बताएंगे कि आप जब आपने स्टार्ट किया तो आपको क्या सोच के कि रोड के किनारे लगाना है, मतलब पैसे की वजह से? नहीं, पैसे की तो है ही है, जो भी है। हाँ। बट मैं ये सोच के लगाया कि हर कोई कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। ओके। और अपने पास रोजगार भी उतना ठीक ठाक नहीं था, इसी वजह से अपन यही चला रहे हैं। और हम लोग ये नहीं देखते कि मेरा चलेगा कि नहीं चलेगा, अपना क्वांटिटी और क्वालिटी स्वाद के अनुसार सब कुछ रहता है। तो आपने 4 साल से काम कर रहे हैं? आपने कुछ पढ़ाई? पढ़ाई मेरा 12th पास है। 12th किया आपने? तो एक्चुअली नॉर्मली हमारा जनरेशन जो देख रहा है, नॉर्मली हम लोग को कोई जॉब नहीं रहता, तो हम ये सोचते हैं कि हम कुछ जॉब नहीं मिल रहा है, जॉबलेस है, बहुत परेशान रहते हैं, कोई भी ऐसा छोटा मोटा काम करने से डरते हैं। हाँ। या शर्म आता है। हाँ। तो वो उस पर आप क्या सोचे? मैं किया, 1-2 साल किया, उसके बाद अच्छा नहीं लगा। मैं बोला यार मैं मेहनत कर सकता हूँ और अपने से खुद भी कर सकता हूँ, दो पैसे कम मिलेंगे, अपना खुद का करूँगा। आप जब ये लगाते हैं, जब रोड के किनारे काम करते हैं, तो आपको क्या शर्म टाइप का? इस टाइप नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता मेरे को, शर्म नहीं लगता, अपना खुद का काम है। कितना मेहनत लगता है ये काम? मेहनत लगभग 14 घंटा सुबह 3 बजे से जगना पड़ता है। अच्छा। अपना 7 बजे नाश्ता तैयार हो जाता है, इधर 5-6 बजे तक बढ़ा देता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और इस रोजाना आप कितना इनकम कर लेते हैं? रोजाना 8-10 हज़ार। रोजाना? अच्छा। हाँ। मतलब सब खर्चे वर्चे मिला के? हाँ। आप 8-10 तक कर लेते हैं। तो आप रियली जो ये काम कर रहे हैं काफ़ी मेहनत वाला है, 14 घंटा मेहनत है इसके, मतलब घर में भी आपको तैयारी करना पड़ता है? हाँ, घर में तैयारी करना पड़ता है, दो घंटा पहले करना पड़ता है। अच्छा। और ये मेरे बड़े भाई हैं, ये भी करते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये आप क्या क्या बेचते हैं एक्चुअल? समोसा, ब्रेड, पकौड़ा, भजिया। क्या क्या प्राइस का? सभी 20 रुपीज़। सभी 20 रुपीज़। अगर ये कोई करना चाहे, जैसे नॉर्मली हम देखते हैं कोई यंगस्टर देख रहा है इसको वीडियो को और वो चाहे कि वो जॉब छोड़ के, या मतलब वो चाहता है कुछ स्मॉल बिजनेस ऐसा स्टार्ट करने, अगर तो वो कितना में, अगर वो जॉब में है तो ठीक है, बाकी अगर जॉब के बाहर आना चाहते हैं तो उसको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। तो कितना लागत ये लगा सकता है इस काम? लागत इसमें लगभग 20 से 25 हज़ार लगाना पड़ेगा। अच्छा, 20 से 25 हज़ार। और क्या चीज़ का नॉलेज होना चाहिए? थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, कुकिंग का नॉलेज होना चाहिए। तो वो 20-20 हज़ार से इस काम को चालू कर सकता है। इनसे मिल के बहुत अच्छा लगा। विवेक मिश्रा जी 12th पास है, बट इन्होंने एक ऐसा जरिया चुना जो हम रोड के किनारे भी एक काम कर शुरू कर सकते हैं, इसमें शर्म ये सब की फीलिंग नहीं रखते ये। और हमें भी बहुत अच्छा लगा इनसे मिल के, ये बोल रहे हैं कि आप भी ये जो काम कर सकते हैं, अगर कोई मदद चाहे इस बिजनेस में, मतलब कोई भी अगर दूसरे स्टेट से देख रहा है या कहीं से भी देख रहा है, अगर वो मदद चाहे तो आप टेलीफोन के द्वारा उसको मदद कर सकते हैं। तो आप भी इनसे मदद ले सकते हैं अगर आप इस टाइप की कोई भी बिजनेस आप करने का सोच रहे हैं। और इनसे मिल के बहुत इंस्पिरेशन मिला, थैंक यू सो मच आपका हमारे शो में आने के लिए। हम एक सैल्यूट देते हैं जो ये काम करते हैं, और ये इनके भाई भी हैं, ये भी बहुत मेहनत करते हैं, दिन भर आप मेहनत करते हैं, और मेहनत से ही अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इनसे, इन लोगों से बहुत इंस्पिरेशन मिला था, हम इनको धन्यवाद करते हैं और एक सैल्यूट देते हैं, क्योंकि आदमी क्या है ना, पढ़ने के बाद वो सोचता नहीं है सब करने के लिए, और 12th के बाद अगर आपने ये करना सोचा
तो जनरेशन के लिए, न्यू जनरेशन के लिए ये, क्योंकि आप कहीं ना कहीं लोगों को धीरे धीरे इस काम को बढ़ाएंगे और लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। दे सकते हैं, सही है ना। सो ऐसे ही आप वीडियो देखते रहिए, नेटवर्क ऑफ इंडिया। बाय गाइस, सी यू सून।